Good morning, dear students. Welcome to Shibiel Memorial Academy online platform. Last class में हमने question number 2 तक किया था. आज हम ये exercise पूरी कर रहे हैं. देखेंगे यहाँ पे question. Question number 3. Filling the placeholders with correct symbol. Symbol लगाना है हमें इसके बीच में. ठीक है. Symbol लगाना है. किस चीज़ के symbol लगाने हैं? Greater than और equal to. Greater than, less than. और इक्वल टू के जो बड़ा है उसके सामने क्या करना है, हमें मुंह खोल देना है. ठीक है. अब देखेंगे, हमें अब पहचान हो जानी चाहिए कि इन रोमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक में क्या बोलते हैं. हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, हमने पहले समझ भी लिए थे. अब इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, हमें इसकी पहचान हो जानी चाहिए. तो देखो ये क्या है, 10. 10 के आगे 1 है तो क्या हो गया ये 11. 11 9 से क्या है, ज़्यादा है तो क्या हो गया ये, इसका मुंह किधर खुल गया, इधर खुल गया. ठीक है. अब देखो ये क्या है 10 और ये क्या है 11, तो 11 ज़्यादा है तो इसका मुंह किधर खुल गया, इधर. इसका जो सी पार्ट है, इसका जो सी पार्ट है वो आपको होमवर्क में करना है. ठीक है. इसका सी पार्ट जो है आपको क्या करना है, खुद से करना है. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं लिखा जा सकता. मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि तीन डंडी के बाद में ये चौथी डंडी नहीं आ सकती, गलत हो जाता है. फिर मैंने आपको बोला था कि आपको 5-6 लिखना है तो 6 के लिए डंडी यहाँ पे आएगी, आपको 4 लिखना है तो डंडी यहाँ पे आएगी. मैंने आपको ऐसे रूल बताए थे. तो अब देखो इसमें से हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो गलत लिखा हुआ है. इनमें से ऐसा कौन सा है जो गलत लिखा हुआ है. देखो ये 5 और 5 10. 5 और 5 क्या होते हैं, 10. पर हम 10 तो ऐसे लिखते हैं, तो क्या हो गया ये वाला क्या है, गलत लिखा हुआ है. अब ये देखते हैं क्या ये गलत लिखा हुआ है. तो देखो यहाँ पे 10 में से 5, 10 के इस तरफ 5 लिखा हुआ है तो 10 में से क्या कम करना है, 5 कम करना है. तो 10 में से 5 कम करते तो 5 आता है, तो 5 तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये भी क्या है, गलत लिखा हुआ है. अब देखो ये 10 और ये क्या है 5 से 1 कम है तो 10 और 4 14 ये तो सही लिखा हुआ है. ये देखो 10 फिर 5 से 2 कम है तो ये क्या हो गया, कितना हो गया ये 13 हो गया. इसमें देखो 10 से 1 कम है तो ये कितना हो गया 19 हो गया. ये कितना हो गया 19 हो गया. तो बाकी के सारे तो इसमें सही है, ये दोनों ही क्या है इसमें मीनिंगलेस है. मीनिंगलेस का मतलब होता है जो गलत लिखे हुए हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, वो क्या होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं. ठीक है. मीनिंगलेस का मतलब आपको समझ में आया होगा कि जिसको नहीं लिख सकते. अब ये 5 और 5 को दो बार ऐसे लिख थोड़ी सकते हम, जिसको 10 5 और 5 10 ही होता है तो 10 को तो हम ये दे रखा है हमको कि 10 को तो ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सॉल्व एंड राइट द आंसर इन रोमन नंबर. रोमन नंबर में ही आंसर लिखना है हमें. तो पहले एक बार इसको चेंज करके देखते. 5 के आगे है तो ये क्या हो गया 6, प्लस 5 के पहले है तो ये क्या हो गया 4. तो आंसर में क्या आएगा, 10. लेकिन अपन को आंसर, अगर आप, मैंने क्वेश्चन दिया आपको एग्ज़ाम में और आपने ये 10 लिख दिया तो मैं पूरा काट दूंगी, सुन लेना. क्यों पूरा काट दूंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला है राइट द आंसर इन रोमन नंबर में हमें क्या लिखना है, आंसर लिखना है. ठीक है. तो क्या हो गया, 10 हो गया. तो 10 को रोमन नंबर में क्या से लिखते हैं, 10 को हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं. तो जा इसके बाकी के जो भी सारे कुछ दो पार्ट है वो आपके क्या लिखने हैं, होमवर्क में करने हैं. और इसको क्या लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का करेंगे. आगे आपकी क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम में लिखने का है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करोगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब. ठीक है. थैंक यू.